हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक द माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपका दोस्त प्रशांत कुंतल लौट चुका हूं एक और नए ब्लॉग के साथ वापस। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मैं आज जाने वाला हूं श्री कृष्ण जन्मभूमि है जो मथुरा में, आज मैं वहीं पर जाने वाला हूँ, आज वहीं का ब्लॉग बनाने वाला हूँ। जन्मभूमि मेरे घर से कोई 2 या 2.5 किलोमीटर दूर होगी, तो मैं भी वहाँ तक पैदल पैदल ही जाने वाला हूँ। तो गैस मैं भी जन्मभूमि के 3 नंबर वाला गेट है जो उस पर आ चुका हूँ। ये देखो, ये काफ़ी बड़ा गेट है भाई, और इसमें भी अंदर दर्शन के लिए काफ़ी लोग भी जा रहे हैं वो देखो। और काफ़ी फेमस है वैसे जन्मभूमि श्री स्थान, काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर दूर दूर से बहुत लोग आते हैं, लगभग 10-20 हज़ार तो पर डे आ जाते होंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है भाई लोगों की। मैं तो अभी तीसरे वाले गेट पर हूँ, अभी पहले वाले गेट पर और चलता हूँ। ये अभी मैं अगर इसके दर्शन करने जाऊँगा तो मुझे अंदर ये घूम के जाना पड़ेगा, ये गेट पार करके उसके अंदर और जाना पड़ेगा। एक और गेट है उसके अंदर फ़ोन कैमरा वैमरा नहीं ले जाने देते, वहीं पर रख लेते हैं, तो इसीलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा। अभी मैं घूम के पहले नंबर वाले गेट पे चलता हूँ, तो चलो भी उसी गेट पे चलते हैं। गाइस आप सामने देख सकते हो वहाँ पे गाड़ी की चेकिंग चल रही है। यहाँ पे इसी तरह चेकिंग चलते हैं क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का धार्मिक स्थल है ये, और ये मंदिर की तरफ से पार्किंग भी बनी हुई है यहाँ पे जो शिवम नाम से है पार्किंग। और यहाँ पे बहुत बस और गाड़ी वाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पे, और दूर दूर से लोग आते हैं तो वो इसी तरह की पार्किंगों में खड़ी कर देते हैं अपनी कार को। और ये देवी का मंदिर है कंकाली देवी का, और इसी के बगल में श्री हनुमान जी की मूर्ति भी है। काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, और इसी के पीछे एक पार्क भी है, तो बहुत फेमस मंदिर है ये। गाइस ये है वो जगह जिस जगह पे मैं अपने डेली ब्लॉग बना के डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना डाटा नहीं होता है, इसी वजह से मैं यहीं पर आ जाता हूँ। यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है और इसका मुझे पासवर्ड पता चल गया, तो यहीं पर आकर मैं अपना ब्लॉग डाल देता हूँ। आप सामने देख सकते हो वहाँ पे एक पुलिस वालों का ट्रक भी खड़ा हुआ है। और अगर आप तीसरे नंबर वाले गेट से आएंगे पहले नंबर वाले गेट की तरफ तो आपको ये चौक पड़ जाएगा, तो समझ लेना आप जन्मभूमि के बिल्कुल करीब हो। गाइस ये रहा श्री कृष्ण स्थान का पहले नंबर वाला गेट जो अभी कुछ दिन पहले ही निर्माण हुआ है। इसका काफ़ी बड़ा गेट है ये देखो, और यहाँ पे तो पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। इसी के अंदर जन्मभूमि है, तो अभी चलते हैं वहाँ पे भी। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है पोतरा कुंड, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है पोतरा कुंड, ये लिखा हुआ। तो ये पोतरा कुंड मैंने सुना है यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के फरुए धुले थे, तो इसी वजह से ये कुंड भी बहुत फेमस है। और इसमें कोई किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालता, और यहाँ पे ये फाउंटेन भी लगे हुए हैं जगह जगह पे, ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे। अगर रात को आता मैं तो ये चलते भी हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये रात को चलते हुए। तरह तरह की नेट लगी हुई है यहाँ पे, और रात को यहाँ पे भजन वजन भी चलते हैं, तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है रात में। तो गैस मैं भी श्री स्थान के जो पहले नंबर वाला गेट था उसके अंदर आ चुका हूँ, और आप ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, जो ये पूरी जो गली पड़ती है इस पूरी गली में आपको यही दुकानें मिलेंगी जिन पे श्री कृष्ण के कपड़े मिलेंगे, उनका श्रृंगार, और कुछ खाने पीने की भी दुकान है, और मूर्ति मूर्ति मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। तो इसी तरह की यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी हैं, तो चलो अभी गेट पे चलते हैं श्री कृष्ण भगवान के। तो मैं भाई अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अंदर जाते हैं तो चेकिंग करते हैं और मेरे फ़ोन को यहीं पे रख लेंगे, और मुझको एक पर्ची दे देंगे, अगर वो पर्ची गिर गई तो फ़ोन भी खो गया समझो, तो बिना पर्ची के फ़ोन थोड़ी मिलेगा। तो चेकिंग होती है यहाँ पे, बहुत ही पवित्र स्थान है श्री कृष्ण भगवान का। तो गाइस आप ये देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ है, अभी मैं गेट पर आ चुका हूँ, ये देखो। यह श्री कृष्ण भगवान का एक नंबर वाला गेट, जिसके जो रथ आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, उस पर श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं और बलदाव भी है। तो यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है दर्शन के लिए, और उनमें फोन वोन भी रख लेते हैं, तो इसी वजह से मैं इसके अंदर तो नहीं जा रहा, बट आपको यहीं से दिखा देता हूँ पूरा क्या क्या है। और भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक है, जगह जगह पर पुलिस भी है, ये देखो ये भाई मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं। गाइस आप जो सामने देख रहे हो ये श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान, ये जो मंदिर है इसी के अंदर हुआ था, जो कुछ भी श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था वो सब कुछ इसी के अंदर हुआ था। पहले तो इसके अंदर यहाँ पे जेल थी, बट अभी जेल वेल हटा के मंदिर बना दिया है,
और इस गेट के ऊपर आप जो देख रहे हो वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं रथ में, और दाऊ जी भी हैं, और ये गेट पे द्वारपाल हैं। ये देखो यहाँ पे कितनी पब्लिक आती है, और जगह जगह पे पुलिस भी रहती है, ये खड़े दो तीन भाई तो। और आप कहीं दूर से आते हो यहाँ पे, और अगर आप रात को यहाँ पे रुकना चाहते हो, ठहरना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको उचित व्यवस्था भी मिलेगी रुकने की। तो गाइस जितना भी मैं जानता था यहाँ के जन्मभूमि के बारे में उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और ये सामने एक जो गली जा रही है, इसमें श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि का दूसरे नंबर वाला गेट है, और इसी गली के जस्ट सामने पोतरा कुंड है, जो काफ़ी पवित्र कुंड है ऐसा माना जाता है। और इस पोतरा कुंड के सामने जस्ट सामने आपको दुकानें मिल जाएंगी, ये ब्रजवासी पेड़े वाले की, और बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। वैसे इस जगह पे आके मैं अभी अपनी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसी वजह से आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्री का वाईफाई लगा हुआ है, तो इसी वजह से मैं आ जाता हूँ, मुझे डाटा मिल जाता है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।